यू शुड बी इन सेंटर यार तुम ठीक हो हां मजे ले रहा हूं मैं लाइफ के चल भाई यहां पे एक सेकंड मेरे भाई एक सेकंड एक मेरे भाई एक चल लेफ्ट से स्टार्ट कर ये लेफ्ट में भाई चल भाई थोड़ा ये साइड आ जनता वाइट कर लेते भाई आ जनता जनता आ जाओ विशाल भाई हां घर ही ले आवे आपने सोलो एल्बम थैंक यू अपने जो जनता वाइट कर ले सु साथ में आ जाओ कोशिश करते एक बार और कोशिश ओ कोई आगे ले आए ना कूल लग रहा है एकदम यार मस्त एकदम बहुत सही लग रहा है यार झाड़ पे चढ़ा के आते हो झाड़ पे नहीं सच में गलत लग रहा हूँ क्या मस्त लग रहा है कुछ ज्यादा ही लास्ट टाइम से कुछ ज्यादा खुश लग मुझे तो अच्छा लगा बट मुझे लगता है सुमेध के पर्सनली फैंस को और सुम्बुल के फैंस को थोड़ी जलन हुई होगी जिस तरीके की इनकी केमिस्ट्री है मुझे लगता है थोड़ा जलन तो होती होगी लोगों को किसे दोनों के पर्सनल फैंस को देखो ना तुम लोग का पोज देखो ना ओके आपका क्या रिएक्शन है नहीं नहीं मेरा तो बहुत अच्छा है रिएक्शन हम हंस रहे हैं हम एंजॉय कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन नो नो आपका क्या इन्होंने अभी जब जिक्र किया जलन होगा ऐसा कुछ कहा बहुत प्यारी बातें करते विशाल जी को हम अभी काफी टाइम से जानते हैं उनकी स्वीटनेस से अभी हम थोड़े यूज्ड टू हो गए तो बहुत बहुत अच्छा थैंक यू सर विशाल सुमन की बात की जाए तो बिग बॉस में हमने देखा था कि ये साजिश करने की कोशिश करते पर कामयाब नहीं हुई एक सेकंड मैंने साजिश कभी नहीं की झूठ मत बोलो आप क्या कहेंगे मतलब फिल्म में एल्बम का बात की जाए तो साजिशें हैं तो आपको क्या लगता है किसकी साजिशें करेंगी ये साजिशें ये कुछ नहीं साजिशें करती है बहुत अच्छी है प्यारी सी बच्ची है इसने बिग बॉस में भी कुछ साजिशें की नहीं होगी जब तक मैंने देखा तो कुछ नहीं की थी तो बहुत नेचुरली इसने परफॉर्म किया होगा और बहुत प्योर है हमने जितना भी टाइम स्पेंड किया है साथ में हमेशा ही बहुत नटखट सी प्यारी सी एकदम छोटी सी लड़की जैसे बात करती है वैसे ही ये करती है हमेशा इंटरव्यू में किसी का नाम लेना होता है तो किसी का भी ले ले मेरा ही ले ले नहीं नहीं ऐसा कोई डन थैंक यू आप लोग यहां पे विशाल भाई आप यहां पे विशाल भी क्या कहते हो अभी विशाल भाई अरे यार मैं वो लोग को वहां भी जा विशाल भाई आइए ये वन टू सही तो कर रहे हैं ऐसे लूंगा ना फिर सबका मेरे हाथ में ऐसे ही रखना हाँ बोलिए ना वो बेच चावल हाँ विशाल सबसे पहले शादी से कट